पानी के थोड़ा पास जाके आपको पे लोग ठीक वहाँ पे लोग नहा रहे हैं, कोई नहीं होगा, आप दूर खड़े होकर ही इस सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। पानी क्रॉस कर रहा है, मतलब आप वहाँ देखोगे वहाँ से नीचे से एक गाइस। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कोरोना के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, जो कि समस्त भारत के लिए, दुनिया के लिए अच्छा न्यूज़ है। और हमारा जो दिनचर्या है या हमारी जो जीवन शैली है वो दिन ब दिन नॉर्मल होती जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ों में ढील दी गई है। ये इसको इतना कैजुअली ना लें और अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी, मास्क पहने और अननेसेसरी बाहर ना जाएं। तो यार मैं अभी चंडीगढ़ के लिए जा रहा था, तो मैंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे माहौल देखा, तो मैंने सोचा कि चलो रुक के एक ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही ऑसम वेदर हो रखा है यहाँ पे पहाड़ों की साइड। बादल आप पीछे देख सकते हैं, बारिश हो रही है। देखो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। यहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, रुक जाते हैं, बिल्कुल हाईवे के पास ही है ये। किरतपुर साहब क्रॉस करके जस्ट अगर आप हरगढ़ की ओर जा रहे हो तो आपको ये पास में पड़ेगा। आई थिंक यहाँ से डाइवर्जन है, यहाँ ऊपर से इस साइड से पानी आ रहा है, इस साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ से डाइवर्ट किया हुआ है यहाँ इस साइड। और हैरानगी वाली बात तो ये है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके नीचे से भी पानी क्रॉस कर रहा है, मतलब आप वहाँ देखोगे वहाँ से नीचे से एक लहर है और वो नीचे से पानी ऐसे ऐसे होता 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 खुल के इस साइड को क्रॉस करके एक रिवर जो है वो इस साइड को, एक नहर जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डाइवर्जन बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है शाम के टाइम में, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और आज वैसे भी आप पीछे देख पा रहे होंगे बादल हैं उस साइड, पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा तो वैसे ही आ रही है, प्लस उसके साथ यहाँ पे अगर आप नॉर्मली भी खड़े होते हो तो वैसे भी ठंडी हवा आपको यहाँ पे महसूस करने को मिलेगी। तो पास जाने के लिए एक रास्ता है, कोशिश करते हैं कि पानी के थोड़ा पास जाके आपको दिखाया जाए। तो कुछ इस प्रकार से है यहाँ का रास्ता, ये वाला काफ़ी नज़दीक है, पर हमेशा ध्यान रखें सेफ्टी आपकी फर्स्ट है, पानी के पास आप ना जाएं। अगर आपको पानी के पास जाके चक्कर वगैरह आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बचाने वाला आपको कोई नहीं होगा, आप दूर खड़े होकर ही इस सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जूम आउट और ये सारा 4K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, 60 फ्रेम पर सेकंड। पूरी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल रही होगी, काफ़ी अच्छा। ऊपर का पुल का देखो, इसके ऊपर से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, आप अभी यहाँ से ऊपर से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही होगी। सो इंजीनियरिंग का भी काफ़ी अच्छा नमूना है ये, इतना स्ट्रॉन्ग पुल। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कीरतपुर साहब से अगर हम चंडीगढ़ की ओर जाएं तो ये कीरतपुर क्रॉस करते ही पुल है। जो लोग इधर के हैं या फिर इस एरिया का नॉलेज रखते हैं उनको पता होगा कि मैं किस पुल की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि पहाड़ों में ऊपर बारिश हो रही है, तो जब ऊपर से गाड़ी क्रॉस होती है तो एकदम झनझनाहट की आवाज़ आती है, मतलब आप नीचे होंगे तो आप डर जाओगे कि एकदम से ये क्या हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बट भी सेफ, जहाँ नहाने की कोशिश ना करें, ये बहुत तेज बहाव है पानी का, और सेफ रखें अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर्स को। कुछ लोग हमारी तरह यहीं पे खड़े होके एंजॉय करते हैं, जैसे कि आप पानी की लहरें देख रहे हैं कैसे यहाँ से एक बहुत बड़े वाली वेव, पूरी लहर उठती है और इसके नीचे से भी पानी क्रॉस कर रहा है। और कुछ लोग तो हमारी तरह जिनके पास टाइम कम है वो यहीं से एंजॉय कर लेते हैं इस खूबसूरत दृश्य को, बट जो पीपल के पास कुछ टाइम है, हालांकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है तो उतनी चहल पहल नहीं रहती है, बट स्टिल अगर आप देखें तो वहाँ पे लोग ठीक वहाँ पे लोग नहा रहे हैं। और वहाँ जाने के लिए अगर आप उधर से जाओगे तो पास में आप गाड़ी भी काफ़ी पास तक ले जा सकते हो, बट मेरी एडवाइस यही है कि बच्चों को लेके या खुद भी अगर जाएं तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और कभी कभी हम ऐसे खूबसूरत माहौल में आके
सेफ्टी अपनी भूल जाते हैं, तो अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी का ख्याल रखें। थैंक यू। ये तो यार ऑसम है यार। चलो आ जाओ, बैठो बैठो आ जाओ।